हेलो दोस्तों, मैं एम एस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग चलाते हैं, यूज करते हैं, तो आप उसमें स्टार टोकन भी रजिस्टर किए होंगे। अगर आपका स्टार टोकन ब्लॉक हो गया है, आप उसका क्वेश्चन आंसर जो पासवर्ड होता है सारा चीज़ भूल गए हैं, तो आप उसे फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर नया से पासवर्ड बना सकेंगे, सारा चीज़ कर पाएंगे। उसके लिए आप वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप स्टार टोकन को फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का स्टार टोकन ओपन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इन कर लेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यूजर आईडी, यहाँ पर यूजर आईडी डालना है। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है या जो स्टार टोकन का यूजर आईडी है, यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक मैसेज शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट सस्पेंडेड दिखाई दे रहा है, ये मैसेज आपको मिलेगा। और जब आप दूसरे डिवाइस में ओपन करेंगे तो वहाँ भी आपको अकाउंट सस्पेंडेड का मैसेज आपको शो हो जाएगा। और आप सीक्रेट क्वेश्चन आंसर भी भूल गए हैं, तो आपको कैसे लॉगिन करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आपको जाना है और वहां पर आपको स्टार टोकन रीसेट रीजनरेट करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आपको जो बैंक द्वारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा स्टार टोकन रीसेट करने के लिए, तो उसे आपको पूरा फिल कर देना है और उसे जमा कर देना है। बैंक में जमा करने के कुछ हफ्ते के बाद आपको जो स्टार टोकन का एक्टिवेशन कोड है आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आप उससे पहले अपना जो स्टार टोकन एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है, तो आपको एप्लीकेशन जमा करने के कुछ दिन बाद, यानी कि आप 4-5 दिन के बाद आप ट्राई करेंगे, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे करना है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जब हम स्टार टोकन को ओपन करना चाहें, तो इस तरह से जब हम साइन इन किए, साइन इन पे जैसे ही क्लिक किए, तो मेरा यहाँ पर यूजर आईडी जो नेट बैंकिंग का है, जो स्टार टोकन का आईडी है, डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये ओपन हो चुका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक्टिवेशन कोड चाहिए ओपन करने के लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रीसेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एक्टिवेशन कोड रजिस्टर मोबाइल पे आ जाएगा। कुछ देर वेट करने पर जैसे ही आ जाएगा एक्टिवेशन कोड, तो आपको स्टार टोकन साइन इन कर लेना है। तो चलिए हम फिर से साइन इन करेंगे, यूजर आईडी यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल में आया हुआ एक्टिवेशन कोड को टाइप करें, जो आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मोबाइल में इस तरह का एक्टिवेशन कोड आया हुआ है, इसे टाइप कर देंगे और दोनों का जो वेरिफिकेशन की है उसे आप एक बार चेक कर लेंगे, दोनों का सेम होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्टिवेशन कोड आपको सही सही डालना है। जैसे एक्टिवेशन कोड आप डाल देते हैं, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पिन बनाना है, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे इस तरह से आपको पिन बना लेना है 6 डिजिट का, और आपको कंफर्म कर देना है वही पिन को।
तो चलिए यहाँ पर पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन बनाना है अपने मन से, और उस सीक्रेट क्वेश्चन का आपको सीक्रेट आंसर दे देना है, और आपको कंफर्म सीक्रेट आंसर कर देना है। सारा डिटेल आपको सही सही भरना है और आपको याद भी रखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको सही सही देना है, आपको अपने मन से क्वेश्चन लिखना है और आंसर देना है, और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका स्टार टोकन लॉगिन हो जाएगा। अब इसे दूसरे डिवाइस में हम लॉगिन करके देख लेते हैं, जैसे कि अभी मोबाइल पे लॉगिन हुआ है, हम इसे कंप्यूटर में लॉगिन करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों कंप्यूटर पे चलते हैं। अब हम कंप्यूटर में स्टार टोकन ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार टोकन लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यूजर आईडी यहाँ पर टाइप कर देंगे, यूजर आईडी। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ओटीपी आईडी दिखाई देगा और ओटीपी आपको डालना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें आपको ओटीपी आईडी के साथ आपको ओटीपी चला जाएगा। तो आप अपने रजिस्टर मोबाइल में देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको ओटीपी आईडी के साथ आपको ओटीपी पासवर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। तो ओटीपी को आपको स्टार टोकन में टाइप कर देना है, जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। आपको सही सही ओटीपी को टाइप करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्रेट आंसर टाइप करना है, जो हमने सीक्रेट आंसर बनाए थे उसे यहाँ पर टाइप कर देते हैं। और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पिन, तो जो हम पिन बनाए थे 6 डिजिट का पिन उसे टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से स्टार टोकन कंप्यूटर में भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से काम कर सकते हैं, आप स्टार टोकन ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी। दोस्तों अब नेट बैंकिंग लॉगिन करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, कैप्चा कोड डाल देते हैं और लॉगिन करेंगे। तो कैप्चा कोड आप देख सकते हैं, अगर कैपिटल है या स्मॉल है, जैसा है आप उसी तरह यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। अब सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन आईडी और पासवर्ड बोला जा रहा है। तो चलिए हम पासवर्ड को नया से बनाएंगे, नया से रिसेट करेंगे पासवर्ड। उसके लिए हमको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं, नया पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और जो एटीएम कार्ड का जो डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट करना है। तो सारा डिटेल आपको यहाँ पर सही से फिल करना है। आप एटीएम कार्ड अपने पास रख लेंगे और यहाँ पर यूजर आईडी, एटीएम कार्ड का नंबर और एटीएम कार्ड का जो पिन है, एक्सपायरी डेट है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर भर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए इस तरह से सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लॉगिन पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है न्यू लॉगिन पासवर्ड पे
और आपको नया पासवर्ड बना लेना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप का आपको पासवर्ड बना लेना है, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। तो चलिए लॉगिन पासवर्ड बना लें, उसे कंफर्म कर लें और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए पासवर्ड आपका रिसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब नया पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे नेट बैंकिंग को। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको नया अपडेट मिलते रहेगा। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।